हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो सी लैंग्वेज की है, और सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग लोअर यानी कि strlwr एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है, और इसकी मदद से हम स्ट्रिंग लोअर स्ट्रिंग प्रिंट कराना सीखेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी फाइल ले लेनी है यहां से, और फिर यहां पर अब हमें कोडिंग करनी है। तो यहां पर सबसे पहले करना क्या है, हेडर फाइल लिखना है। तो मैं लिख देता हूं हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहां पे ये हेडर फाइल हमने लिख दिया, और फिर यहां पे कर देता हूं एक और हेडर फाइल लिखता हूं हैश इंक्लूड, चूंकि स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो यहां लिख देता हूं मैं string.h। ये भी एक हेडर फाइल है। ये दोनों हेडर फाइल्स को लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे यहां करना क्या है, नीचे हमें हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में और वो हमें स्मॉल लेटर में प्रिंट करके देगा। इट मींस कि स्ट्रिंग जो है लोअर हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर कैर टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं, और यहां पे str एक वेरिएबल, और ये इसकी साइज रखता हूं 20। ठीक है, यहां पे साइज 20 या 23 कुछ भी रख देते हैं, 20 रख देते हैं। चलिए ये 20 रखने के बाद क्या करना है, 20 रखने के बाद इसमें कुछ स्टोर कराएंगे। तो चलिए हम इसमें स्टोर कराते हैं। तो मैं अपना नाम ही इसमें स्टोर करा देता हूं, सूरज सर, ये लिख दिया हमने। और ये स्ट्रिंग को अब हम ये इसमें स्टोर करा दिया हमने, टर्मिनेट कर देते हैं। यहां पर वो फंक्शन लगाते हैं strlwr, ये लगा दिया हमने, और strlwr, और यहां पे क्या लिख देंगे, str लिख देंगे इस तरीके से लिख करके, और यहां पर टर्मिनेट कर दीजिए आप। ठीक है, टर्मिनेट करके जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर मैं प्रयोग कर लेता हूं पुटेस का। पुटेस का यूज हमने डिटेल में बताया है कि पुटेस का क्या यूज होता है, और यहां पे सीधा सीधा str को यहां पे करवा देता हूं प्रिंट। ये हमने प्रिंट करवा दिया। अब एंटर करके नीचे आते हैं, यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं। तभी हमें याद आया कि यहां पर हमने ब्रैकेट तो ओपन ही नहीं किया है और मेन फंक्शन तो बनाया ही नहीं है, तो मेन फंक्शन के बिना तो चलेगा नहीं। तो यहां पर आकर के मेन फंक्शन बना लेता हूं, और मेन फंक्शन बना करके यहां से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, और फिर ये जो ब्रैकेट है वो नीचे क्लोज भी हो जाएगी। तो ये नीचे क्लोज भी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो यहां पे चलता हूं और इसे सेव कर देता हूं, एक नाम दे देंगे इसे हम, जैसे मैं इसे नाम दे देता हूं str.c। ठीक है, ये नाम दे दिया, .c लगाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्ड पे चलना है और यहां से कंपाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपका ये प्रोग्राम कंपाइल्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब रन करवाना है तो यही बिल्ड पे चल करके, या फिर आप रन करवाने के लिए कंट्रोल F10 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं हमने लिखा था यहां पे, तो ये पहला अक्षर कैपिटल था। अगर मैं इन सबको कैपिटल कर देता हूं, लाइक ये देखिए, यहां पे मैं कर देता हूं surAJ, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं सर SIR, ये सूरज सर लिख दिया हमने, और ये सब कैपिटल में है। अब इसको सेव कर देता हूं यहां से। ठीक है, एक बार इसको फिर से कंपाइल करवा लेते हैं। तो पहले यहां से इसको क्लोज कर दो, फिर कंपाइल करवाते हैं। अब एक बार फिर से इसको कंपाइल करवाते हैं, तो यहां आकर के इसे कंपाइल करवा दिया। अब देखिए ये पूरा जो है हमने अपर केस में कर दिया है, अपर केस मींस ये सब कैपिटल लेटर में है। अब इसको रन करवा देते हैं एक बार। तो यहां पे देख सकते हैं जो भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा है वो स्ट्रिंग बन गई है स्मॉल में। तो आई होप कि ये strlwr फंक्शन आपको समझ में आया होगा कि ये काम क्या करता है। ठीक है, आप कुछ भी लिखिए तो उसे लोअर में ये कन्वर्ट करके दे देता है। यहां पे तो मैंने एक ये सूरज सर लिखा है, आप कुछ भी इसके जगह लिख दीजिए, ठीक है, उसे लोअर में ये कन्वर्ट कर देगा। बस आपको अपर केस में लिखना है, और लोअर में रहेगा तो ऑलरेडी वो लोअर में, फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी क्या। तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं इंडिया INDIA, देखिए ये इंडिया लिख दिया हमने, और इसको अब सेव कर देता हूं यहां से। यहां से चल के सेव भी कर दिया। अब यहाँ बिल्ड पे चलते हैं, पहले ये पुराना प्रोग्राम जो हमारा है उसको क्लोज कर देता हूं मैं। मैंने फिर यहाँ से कंपाइल करवाता हूँ, चलिए ये कंपाइल करवा दिया हमने, और फिर अब इसको रन करवाता हूँ। तो देखिए इंडिया जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन हमने फंक्शन क्या यूज किया, str लोअर, यानी इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए पूरा का पूरा इंडिया जो है लोअर केस में आ रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी जरूर लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।